चंदा मामा के करीब पहुंचा अपना चंद्रयान। 25 किलोमीटर दूर सीना ताने खड़ा। चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से ज्यादा भरोसेमंद। 47 साल बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन नाकाम रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग को निकला रूसी यान लूना 25 शनिवार को हादसे का शिकार हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने रविवार को बताया कि लूना 25 की चांद से दूरी घटाने की प्रक्रिया में शनिवार को तकनीकी खामी आई और उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया। इस रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था। वहीं दुनिया की नजरें अब भारत के चंद्रयान 3 पर हैं, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। इसमें कामयाबी भारत के लिए इतिहास रचने का मौका होगी, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को नहीं उतार सका है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात बड़ी कामयाबी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा और बुधवार शाम को सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा। आपको बता दें कि 25x134 किलोमीटर की ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है अभी हमारा चंद्रयान 3, यानी कि चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर है और अधिकतम 134 किलोमीटर रह गई है। वहीं सॉफ्ट लैंडिंग के समय में भी बदलाव किया गया है। अब 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की कोशिश होगी। पहले ये शाम को 5:47 पर होनी थी, लेकिन अभी वक्त में बदलाव करते हुए इसे 6:04 किया गया है। वहीं आप लोग इस लैंडिंग का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। 5:27 पर बुधवार शाम से ये लाइव प्रसारण होगा, जिसे इसरो की वेबसाइट isro.gov.in पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और डीडी पर देख सकेंगे। 69.37 डिग्री अक्षांश पर लैंडिंग साइट कमोबेश वही है जो चंद्रयान 2 की थी, लेकिन इस बार लैंडिंग का संभावित एरिया बढ़ाकर 4x2.5 किलोमीटर, यानी चंद्रयान 2 के समय 500x500 मीटर का था। आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं रहा और वजह ये है कि चांद के इस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्से पूरी तरह अंधेरे में रहते हैं। तापमान शून्य से 230 डिग्री नीचे, क्रेटर भी खूब हैं, वहीं सूरज की रोशनी के अभाव में इक्विपमेंट चलाना यहाँ मुश्किल है। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की चंद्रयान 3 से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी पड़ाव में है। सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड करेगा। इसरो के साथ साथ पूरा देश इस दिन के लिए सांसें थाम कर बैठा है। अब तक सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रही हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अहमदाबाद इसरो के चेयरमैन ने बातचीत में ये बताया कि लैंडिंग के अंतिम 17 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा दिन होगा। साथ ही उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से ज्यादा भरोसेमंद है। इसरो का मिशन अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, फोकस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाना है और इसके जरिए चांद के बारे में दुनिया की समझ को और बढ़ाना और विकसित करना है। चंद्रयान 3 के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने जिस तरह की तस्वीरों को कैप्चर किया वो इसरो की क्षमता का सबूत है। तो इसरो को अपने मिशन की सफलता का पूरा विश्वास है, लेकिन अगर किसी वजह से लैंडिंग सफल नहीं भी हुई तो भी इसरो के पास बहुत से विकल्प हैं। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी उस ऐतिहासिक पल के इंतजार में है जिसके लिए उसने रात दिन एक कर दिया है।